Hey guys, welcome back to Sweet Chilies 2.2. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं The B-Boy Memes Channel से क्या सीन है, ट्रेंडिंग मीम्स, डैंक इंडियन मीम्स, मीम्स कंपाइलेशन. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. हाँ जी, बताइए. हम यहाँ एक बाइक के बारे में कुछ पता करने आए. पता करना है मतलब? मतलब ये कि आपके यहाँ से जितने भी तूफान बाइक काले लाल रंग के बिके हैं और जिनका नंबर 76 पे खत्म होता है, हमें उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए. ये डिटेल्स इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि हम हर आदमी को नहीं दे सकते. आप लोग जा सकते? हम लोग CID से. CID क्या होता है? ये क्या होता है? CID नहीं पता? 22-23 साल से चला रहा, CID नहीं पता इनको? ये देखें आप, ये देखें, मैंने आपके लिए नजराना रखा. क्या क्या बात है? गांधी जी, गांधी जी. अच्छा, मैंने एक साहब से, इंडियन से पूछा जब हम मीडिया, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? वो साहब कहने लगे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे. मैंने कहा ओहो, अब मुझे पता चला ये लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों. ये पहले जिसने बोला था ना उसको दो चप्पल मारते. मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती है, ये सब मर्द एक नंबर के बुद्धू होते हैं. उन्हें इतना सा भी नहीं मालूम कि किस करने से पहले थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाई जानी चाहिए. ओए, मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ. एक बात बताओ मुझे, चलो कौन सी मम्मी जो है वो अपने बच्चों से ऐसी बात करती है? कहाँ जा रहा बाबू? पढ़े जा रहा है. हाँ. ये धूप में तुम बताओ साइकिल चला के पढ़े जा रहा है ना? हाँ. कितना किलोमीटर जाएगा बाबू? 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर जाएगा जी? हाँ. क्या नाम है तुम्हारा? मिथुन कुमार. मिथुन कुमार नाम है. मतलब कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10वां में. 10वां में पढ़ते हो? 10वां में पढ़ता है लड़का. देखो दिन कितना धूप है, दिन दोपहरिया में जा रहा है लड़का पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर साइकिल चला के. और अभी तो रुको, पढ़े में तेज हो. हाँ. ये वो सवाल पूछते हैं तुमसे, जवाब देगा तुमको हम 200 रुपए दम देंगे. 200 दे देगा जवाब. हाँ. ये बताओ कि दुनिया में सबसे हल्का चीज क्या है? लौड़क. दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ नहीं पता? कयामत आनी बाकी है. मेरे तो कान जलने लगे, मेरी रक्षा. क्या चल रहा है? ये डर मुझे अच्छा लगा. वाह. आंटी की कमरा बीच में आ रही है, बट चांस तो ढूंढ ही लिए. अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है कि मां और बच्चे में से किसी एक को बजाना, तो किसको बजाऊं? तो
अरे बाबा इतना सोचने में टाइम, चल मैं अपने मूड के हिसाब से देख लूंगा। जो जा रहा है, जो कम चिल्लाएगा उसको बचा लूंगा। ओके, तो जा के पूछूंगा। बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे को बचाना डॉक्टर साहब। पागल आदमी, तो बच्चे को बचाना, माँ को बचा, मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज होता रहेगा। दद्दू के पास दांत मांजने का टाइम नहीं है, ठीक है। इनके घर में राशन हो ना हो, लेकिन जेब से 2000 का नोट निकला किसके लिए? अच्छा अंग्रेजी बढ़िया है ना? यस, अंग्रेजी मीडियम। यस। अच्छा टीचर यहाँ आ रहे हैं, जल्दी से तुम उस तरफ मुंडी कर लो। इसका क्या होगा अंग्रेजी? टीचर्स केम्स हियर एंड प्रिया बैकवर्ड। स्टार्ट करो वुमेन। सही बात है, हमें भी ऐसे नजारे देखने हैं। रोजगार नहीं है भाई, क्यों रोजगार नहीं है? सबके पास रोजगार है। अगर आप खाली घूमना खुदे ठल्ला बनना पसंद करो, सरकार पे बोझ बनना चाहते हो तो अलग बात है। बात तो सही है। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? रुकिए सर, अब जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा ना कि मैं 12th, मैं 12वीं क्यों है, ये क्यों? क्या पूछिए? ये 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं? कह रहे हैं आप 10 लोगों को रोजगार देने में सक्षम? भाई 3 को तो देता ही हूँ, मेरी दुकान पे काम करते हैं। 3 को देते? आप कितने को दे रहे? मैं एक दिन आपको लिख देता हूँ, मैं 50 को दूंगा। लिख लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं प्रधानमंत्री बनूंगा अगले जन्म में। ये सही कहा, अगले जन्म में। और हद है यार, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तुम, तो कम से कम उसका मोरल तो बन डाउन करो। वीडियो की चर्चा हो रही है और ये वीडियो अब तक आपने भी देख लिया होगा, और हो सकता है कि आपके परिवार में भी इस पर जरूर चर्चा हो रही हो। दिल्ली में कल रात मोहम्मद साहिल खान नाम के 20 साल के एक लड़के ने साक्षी नाम की एक लड़की को सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला। साक्षी सिर्फ 16 साल की थी और वो मोहम्मद साहिल के साथ एक रिलेशनशिप में थी। किसी बात पर झगड़ा होने पर साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दिया था और साहिल ने कल रात साक्षी को इसी की सजा दी और बेरहमी से मार डाला। एक बच्ची को 16 बार घाव मारे जाते हैं चाकू से, भरी भीड़ के सामने। दिल्ली कांड की बात, सब वहां नामर्दों की तरह खड़े हैं। उसके बाद उसके सर पर पत्थर, उसके शरीर पर पत्थर पटक पटक के उसको मार दिया जाता है। सब निकलते हैं आजू बाजू से, सब चुप। यही देश के हालात है ना? क्या हुआ जो पिछली बार जिसने बच्ची श्रद्धा को काट के फ्रिज में रखा था, अगर उसको सही पनिशमेंट मिलता ना तो ये नहीं होता। भय डर कहाँ है? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पहली बात तो यार, ये इमेच्योर जो रिलेशनशिप होता है ना, ये 16-17 साल का है ना, 15-16 साल के बच्चे ये जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और किसी से भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी 24-25 साल का लड़का होगा, उससे बड़ा होगा, ठीक, इनको कुछ नहीं दिखती हैं ये जो मतलब कुछ समझ में नहीं आता है इनको कि हाँ भाई अभी हम टीनेज में हैं, ठीक है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लें, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक। लेकिन यही रहता है, ये इमेच्योर रिलेशनशिप की निशानी है, ठीक है, ये इमेच्योर रिलेशनशिप का नतीजा है जो किसी के साथ इतना सब कुछ घिनौना आ जाता है। और जो लोग ये बगल बगल के निकल के जा रहे होते हैं, क्या 4 लोग उस लड़के को पकड़ के 4 थप्पड़ नहीं मार सकते थे? उसके हाथ से चाकू छीन लेते, कुछ करते, उस लड़की को बचाने के लिए कुछ तो करते, लेकिन नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे घर की बेटी थोड़ी ना है, है ना? मतलब अगर खुद के घर की बेटी होती तब झंडा लेकर चल देते, उसको चाकू लेकर तलवार लेकर चल देते कि हाँ भाई ये हमारे घर की बेटी को कैसे इसने ऐसे कर दिया, हमारे घर की बेटी छीन ली इसने, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो भी तो किसी के घर की बेटी है, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? आंखों में शर्म है या नहीं है?
लोग आते जाते आजू बाजू पूरी मुंडी 360 डिग्री घुमा के उसके बाद देखते हुए चले जाएंगे, लेकिन मजाल है किसी की कोई रोकने की कोशिश करे? कोई? अगर इस टाइप की हरकत कहीं भी सड़क पे हो रही हो, मैं खून की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी ये छेड़छाड़ का मामला, ठीक है, लड़की के साथ बदतमीजी का मामला, इवन लड़की भी अगर किसी लड़के को थप्पड़ वगैरह मार रही है या मतलब बेइज्जत कर रही है, वहाँ पर आपका हक है ये, और आपका ह्यूमन मतलब एक मॉरल ड्यूटी है आपकी कि रुको और बोलो उसे कि ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, ठीक है, और क्या बोलते हैं ये चीज़ें जो है ना तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और खून जैसी दरिंदगी लोगों के आंखों के सामने हो रही है और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हे भगवान, सच बताऊँ इसीलिए लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि प्यार आज की दुनिया में प्यार रही नहीं गया है। प्यार तो ये ऐसी उसने सूरत ले ली है, जितनी गंदी, जितनी घिनौनी, जितनी वाहियात सूरत हो सकती है प्यार की, उतनी बना दी है। कहाँ प्यार, प्रेम, मोहब्बत, ये इतनी पाक पवित्र और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक खूबसूरत फीलिंग है, और उस फीलिंग को इन्होंने दरिंदगी की हर हद को पार कर दिया, उस फीलिंग को इतना ज़्यादा कुचल दिया है कि उस फीलिंग में से बदबू आने लगी है। सच में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, बाय बाय।